नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज है सैटरडे, सो सैटरडे क्या मैस हो रखा होता है मेरे घर में, क्या चल रहा होता है सुबह के टाइम, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं अपने बेडरूम में खड़ी हूँ, तो देख सकते हो आप बेड पूरा मैसी हो रखा है, अभी तक ये क्लीन नहीं हुआ है, जबकि मैं वीकडेज में इस टाइम तक सब क्लीनिंग वगैरह फिनिश कर लेती हूँ। ये गोविंद का रूम है जो पूरा मेस्ड अप है, बेड पे उसके सारा सामान मैंने रखा हुआ है जो मुझे इंडिया जाने के लिए पैक करना है। तो मैं सारा सामान ना बेड पे ला ला के रख देती हूँ, और जब अब मैं पैकिंग करूँगी तो 1 या 2 दिन में मेरी पूरी पैकिंग फिनिश हो जाएगी। तो बेड इसलिए मैसी है, उसके टॉयज़ मैंने सुबह सुबह थोड़े से ऑर्गेनाइज कर दिए थे, तो वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। तो देखिए अभी ब्रेकफास्ट हमने बनाया था बेसन के चीले, तो वो सब खा पी लिया है, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं और पूरी किचन तहस नहस हो रखी है। और ये हालत है हमारे लिविंग रूम की। यहाँ पे बैठे हैं गोविंद जी जो अपनी राइम्स देख रहे हैं, और इनके डैडी अभी गए हैं कॉस्को, उन्हें थोड़ा सा फ्यूल वगैरह लेना था। को आपने मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देखा होगा, ये सोफा के साइड में जो वॉल है यहाँ पे हमने अपना बुक शेल्फ सेट किया था, बट अभी हमने अपना बुक शेल्फ इस वाली वॉल में शिफ्ट कर दिया है पेंटिंग के साथ में, बिकॉज कल मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से मिली थी जिसका मैंने छोटा सा व्लॉग किया था, वो मैं इसी क्लिप के बाद इस व्लॉग में डाल दूंगी। तो उन्होंने मुझे ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिया है, इसकी मैंने कल अनबॉक्सिंग की थी और सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं कि क्या क्या उन वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो ये मंदिर हमने यहाँ पे जो है वो रखा है, अभी इसकी स्थापना करनी बाकी है, तो वो सब अभी मैं नहाने के बाद स्थापित करूंगी। तो चलो अभी आप हमारा कल वाला व्लॉग देखो, जब मैं प्रियंका से मिली थी तो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो वो अभी आप इंजॉय करो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा घर को सेटअप कर लूँ, थोड़ा सा सही सा कर लूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए आज मेरे साथ कौन है? हाय, अपना नाम बताओ। माई सेल्फ प्रियंका। ये प्रियंका है, मुझे कॉन्स्टेंटली ये मेल करती रहती है, वीडियोस देखती हैं ये मेरी, और ये टेक्सास से शिकागो घूमने आई है। तो हम लोगों ने आज सुबह मिलने का प्लान बनाया और ये बहुत सारा ड्राइव करके आई है। आई थिंक आधा घंटा ड्राइव करके आए हो ना? 1000 माइल। नहीं, ह्यूस्टन से नहीं, अभी जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं यहाँ से 10-15 माइल्स। 10-15 माइल्स वो ड्राइव करके स्पेशली मुझसे मिलने आई है, बहुत अच्छा लगता है मतलब। और देखिए वो मेरे लिए क्या लेकर आई है, मतलब मेरे लिए नहीं, अंशुल के लिए और गोविंद के लिए राखी आई है। तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि यूट्यूब के थ्रू मुझे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी देर हो गई है, 5 मिनट हो गए हमें बात करते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे इनके बेटे से मिलेंगे, हस्बैंड से मैं मिल चुकी हूँ, अभी एक्चुअली गोविंद गया हुआ है लीगो स्टोर प्ले करने, तो अभी सब सब आएंगे ना, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग करके और आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें प्रिया जी को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड। प्रिया जी मत बोलो, प्रिया बोलो यार। मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। गोविंद हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो। तो बस प्रियंका से मिलके अभी अभी हम लोग घर लौटे हैं, और लौटते ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी अपने गिफ्ट को अनरैप करने की। तो मैंने आते ही अपना बॉक्स ओपन किया, और जैसे ही मैंने ये मंदिर देखा आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड, एंड मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। शायद मेरे नए घर में ना एक इसी चीज़ की कमी थी जो आज पूरी हो गई है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट है ये, थैंक यू सो मच। अभी शायद मेरे चैनल पे व्यूज़ कम है, व्यूअर्स कम हैं, बट जितने भी लोग हैं ना वो मुझे बहुत अजीज़ हैं, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि मैं इंटरनेट के थ्रू इतने प्यारे प्यारे और इतने क्लोज़ फ्रेंड्स बना पाऊँगी। और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि क्या सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था, बस ऐसे ही चैनल स्टार्ट कर लिया था। और अब आप सभी लोगों को देख के, आप सभी लोगों का सपोर्ट पा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद थैंक यू तो बहुत ही ज़्यादा छोटा वर्ड है इन सबके सामने, थैंक यू। कोई ब्रेक मारेगा? कैसे ब्रेक मारेगा? ऐसे? ओके, हु विल ड्राइव द कार? और गोविंद? आई गोविंद। डू यू वांट टू ड्राइव? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? हाउ डू यू ड्राइव द कार?
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से ना हम लोग घर की सफाई में लगे हुए थे, थोड़े बहुत रीअरेंजमेंट्स किए और अभी भी मैंने मंदिर की अपनी स्थापना नहीं की क्योंकि अभी एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आज, तो इसीलिए मंदिर अभी मैं जाकर शाम को स्थापना करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और गोविंद बहुत एक्साइटेड है बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए क्योंकि उसके लिए फर्स्ट बर्थडे पार्टी होगी जो वो ऑफिशियली ऐसे अपने फ्रेंड की अटेंड करने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ट्यूसॉन में हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं और जो फ्रेंड्स भी थे उनके बच्चे नहीं थे, तो कभी भी उसने कोई बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड है और बोल रहा है कि वहाँ पे केक भी होगा, बलून्स भी होंगे और हमने गिफ्ट भी ले लिया है। कल एक्चुअली हम लोग ना वुडफील्ड मॉल गए थे तो गिफ्ट हमने ले लिया था, बट उसको अभी गिफ्ट रैप करना है तो अभी रैपिंग पेपर या फिर गिफ्ट बैग हम लोग लेंगे रास्ते से वॉलमार्ट से और उसके बाद जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी थोड़े बहुत ग्लिम्सेस आपको बर्थडे के दिखाऊं, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना वहाँ पे शूट करूंगी क्योंकि उनकी वो पर्सनल पार्टी है, तो बस मैं आपको गोविंद का फन दिखाऊंगी ज़रूर कि उसने कितना फन किया। अभी जितनी ग्रीनरी आप लोगों को दिख रही है ना बाहर, ये सब अभी फॉल सीजन आते ही चली जाएगी और ये फिर विंटर्स में सारे ट्रीज जो हैं बर्फ से कवर हो जाएंगे, बट आई गेस वो व्यू भी काफ़ी अच्छा और मेसमराइजिंग होगा। तो बस हम लोग बर्थडे वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी, कुछ प्ले एक्टिविटीज़ थी, कुछ कलरिंग एक्टिविटीज़ थी और आप इन क्लिप्स के थ्रू देख ही सकते हो, गोविंद ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखिए, ये गोविंद के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पिज्जा एंजॉय कर रहा है। हम लोग जस्ट अभी अभी लौटे हैं बर्थडे पार्टी में से, बहुत मज़ा आया, गोविंद ने बहुत फन किया और खेलते खेलते वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो अभी उसे उसके डैडी नैप दे रहे हैं और मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज करती हूँ, भगवान जी की स्थापना शुरू करती हूँ अपने नए मंदिर में। देखिए हमने ये मंदिर की पोजिशन ये सेट की है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपना नया मंदिर सेट कर रही हूँ। मुझे वास्तु वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट मुझे इतना पता है कि मंदिर साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए और आप भी साउथ फेसिंग कभी ना बैठें पूजा करते वक्त, तो उसी हिसाब से मैंने मंदिर को सेट किया है और जो मेरे पास थोड़े से मंदिर के लिए आइडल्स थे वो लगा लिए हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज है वास्तु की तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी आई वुड लव टू नो कॉमेंट सेक्शन में। मैंने तो सेट कर लिया है अपने हिसाब से मंदिर और मुझे ये सेट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये स्टेबल में नीचे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे मैं अपने मंदिर के सामान रख लेती हूँ, बुक्स वगैरह तो अब मंदिर में ही आ गई हैं। और आज पहली आरती कर रही हूँ मैं अपने नए मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मंदिर और अब और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है इस मंदिर को देख देख कर। इस वॉल को मैंने सोचा है थोड़ा सा और बंधनवार लगा के सजाऊंगी। आप सब ने देखा ना कि कितना सुंदर मंदिर मुझे प्रियंका ने दिया है। मंदिर तो सुंदर है ही है और वो जचने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग गए हैं। बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट था, बहुत प्यारा गिफ्ट मुझे लगा। दिल से मैं बोलती हूँ कि अगर शायद मुझे भी ऐसे किसी को गिफ्ट देना होता ना तो मैं इतना ना सोच पाती जितना प्रियंका मेरे लिए सोच ले गई। थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत प्यारा गिफ्ट है और अब जब भी मैं मंदिर की तरफ देखूंगी ना तो डेफिनेटली आपकी याद मुझे ज़रूर आ जाएगी क्योंकि दी ही चीज़ आपने इतनी ज़्यादा अच्छी है मुझे। आपको पता है जब वो मुझसे कल मिली थी ना तो सबसे पहले उसने मुझे मॉल में दो राखियाँ दी थी, एक अंशुल के लिए और एक गोविंद के लिए, एंड वो मोमेंट था जब मुझे लिटरली आंसू आ गए थे क्योंकि फॉरेन लैंड पे कोई फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है और इतना थॉटफुल आपके लिए वो राखी लेकर आ रहा है, आपके बच्चे के लिए राखी लेकर आ रहा है, आपके हस्बैंड के लिए राखी लेकर आ रहा है, विच प्रूव्स कि वो मुझे अपनी सिस्टर समझती हैं या फिर मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को अपना समझती हैं, बुआ समझती हैं, मेरे हस्बैंड की वो बहन समझती हैं अपने आप को, तभी वो इतना थॉटफुल गिफ्ट
गिफ्ट मेरे लिए लेकर आई. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच. मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे लोग मिले हैं ना कि मैं बता भी नहीं सकती. थैंक यू यार. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी ट्यूसॉन में, एक भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, बात करने के लिए भी कोई नहीं हुआ करता था, और आज मैं कैमरा उठा के बस आप लोगों से इस तरीके से कनेक्ट कर लेती हूँ, दिल से दिल का कनेक्शन हो गया है, और वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, कितना स्ट्रांग कनेक्शन हम लोग शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच. तो बस अभी मंदिर लगाते लगाते मैं फिर से काफ़ी इमोशनल हो रही थी, और बहुत अच्छा भी लगता है आप लोगों से इस तरीके से मिलना. आप लोगों का प्यार जब आता है, आप लोगों के प्यारे प्यारे मेल्स जब मुझे आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रीड करके कि आप लोग मुझसे कितना कनेक्ट करते हो, कितना प्यार करते हो. पता नहीं, मैं इस बारे में तो शायद घंटों आप लोगों से बोल सकती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिफरेंट लैंग्वेजेस में. थैंक यू सो मच, बट थैंक यू इज़ नॉट जस्ट इनफ टू से. आई मस्ट से, मतलब थैंक यू तो बहुत ही ज़्यादा छोटा वर्ड है जो आप लोग करते हो और जो आप लोग वैल्यू रखते हो मेरी लाइफ में. थैंक यू. तो बस अब मैं इमोशनल नहीं होंगी, थोड़ा सा बैठूंगी, चिल करूंगी, और आप देख ही सकते हो पीछे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जो मुझे अभी आयरन करने हैं. आयरन करके सारे अलमीरा में जाएंगे. आज अलमीरा सब खुली हुई है क्योंकि सारे कपड़े सुबह लॉन्ड्री हुए थे, तो वो सब अभी मुझे सेट करना है, और काफ़ी सारे कपड़े अभी बाकी हैं तो वो मैं कल लॉन्ड्री करूँगी. सैटरडे संडे ऐसा ही होता है, या तो मैं खाली एक दिन संडे लॉन्ड्री करती हूँ, दो लोड लगाती हूँ, या फिर सैटरडे संडे में ब्रेक कर लेती हूँ. तो आज इस वीकेंड मैंने यही सोचा कि चलो दो दिन ब्रेक कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ड्री हो गई है, थोड़ा थोड़ा करके आयरन हो जाएंगे, और फिर मेरी सारी अलमीरा फिक्स हो जाएगी. तो बस अभी यही सब काम करूँगी मैं, और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. होप करती हूँ आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना, आप लोगों से बातें करना. तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे वहाँ पे मैसेजेस करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत क्विकली रिप्लाई करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना. तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अब बहुत ही जल्दी आपको मेरे इंडिया के व्लॉग्स देखने मिलेंगे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको अपना घर दिखाने के लिए, अपना ससुराल दिखाने के लिए, अपनी फैमिली से आप लोगों को मिलवाने के लिए. तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए. बाय.